हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फेज 3 अब कुछ कुछ दिनों पहले रिसेंट में ही ख़त्म हुआ है। 4 और 5 जनवरी को ख़त्म हुआ है। इसके बाद सबकी क्वारी थी कि सर आंसर्स की कब जारी किए जाएंगे, रिजल्ट कब आएंगे। तो उसमें से एक इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। यूजीसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल वाले जो एग्ज़ाम अभी 4 और 5 जनवरी को जो रिसेंट में ख़त्म हुए थे, उसके लिए आंसर्स की ऑफिशियल आंसर्स की अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। कल रात को ही ऑफिशियल आंसर्स की उसके यूजीसी के वेबसाइट पर अपलोड हो चुके थे, जिस रिगार्डिंग फिर बच्चों का कॉल आना शुरू हुआ, क्वायरी आना शुरू हुआ कि सर आंसर्स की तो अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन हम आंसर्स की चेक कैसे करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा मेरा आंसर सही था और कौन से आंसर्स मेरे गलत हुए थे। चीज़ें उन सब के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, जिसमें एक एक पॉइंट में डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आप आंसर्स की को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसे पढ़ सकते हैं, किस तरह सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल वाइज इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी सारी जो क्वेरी हैं ऑफिशियल आंसर्स की के रिगार्डिंग सारी खत्म हो जाएंगी। चलते हैं यूजीसी के वेबसाइट पर सीधा। यूजीसी के वेबसाइट पर जाने के बाद मैंने यूजीसी का वेबसाइट ओपन किया हुआ है, और आप देखेंगे यूजीसी की वेबसाइट को स्क्रॉल करते हुए हम नीचे बढ़ेंगे। नीचे जब बढ़ते हैं तो दो चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिलेगा डिस्प्ले ऑफ की चैलेंजेस फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021। उससे पहले हम एक न्यूज़ एंड इवेंट्स में जाएंगे, जो कि न्यूज़ कल के डेट में 21/1/2022 को रात के 11 बजे करीबन जारी किया गया था। यहाँ से मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखा हूँ। चीज़ें उस पीडीएफ को भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें दिया गया है इनवाइटिंग आंसर की चैलेंजेस फॉर फेज 1 फेज 2 फेज 3। आप लोगों को बता दूं कि ये जो आंसर्स की ऑफिशियल आंसर की जारी किए गए हैं, ये चैलेंजेबल आंसर की हैं, ये फाइनल आंसर की नहीं है। फाइनल आंसर की इसके बाद जारी किए जाएंगे यूसी के द्वारा, और जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट मेरिट बनेगा, कट ऑफ डिसाइड होंगी। इसमें किया गया है, डिस्क्रिप्शंस में चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चंस पेपर और चैलेंज और प्रोविजनल आंसर की जो जारी किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं यूजीसी की वेबसाइट पे, वो 24 जनवरी रात के 9 बजे तक ही रहेंगे। तो उससे पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से या पासवर्ड की मदद से उस आंसर्स की को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 24 जनवरी 2022 या समय याद रखिएगा चीज़, 24 जनवरी के बाद वहाँ से वो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे फाइनल आंसर की भी जारी किया जाना है। अगर आपको चैलेंज करना है किसी आंसर, मान लीजिए लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 का आपने आंसर सही दिया था, और आपको लगता है कि यूजीसी नेट ने जो आंसर दिया वो गलत है, तो आप निश्चिंत होकर के बेखौफ उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है कि पर चैलेंज आपको प्रोसेसिंग फी, जो कि डिसाइड किया गया एनटीए के द्वारा, 1000 वो पे करना होगा। साथ ही साथ उसके सपोर्ट में, अपने आंसर के सपोर्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे। यदि आपने आंसर्स की चैलेंज किया बट प्रोसेसिंग फी जो कि है 24 जनवरी की रात 11:50 तक जमा नहीं किया, तो आपके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने फैक्स, ईमेल, हार्ड कॉपी फॉर्म में चैलेंज किया है, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसके लिए सारे टेबल्स आपको दिए हुए हैं। आप इस वीडियो को पढ़ेंगे, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए सर, बिना समय गंवाए हम चलते हैं यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले ऑफ की चैलेंजेस फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021, ये दिया गया है। यहाँ से आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। टैब को जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया विंडोज ओपन होता है, जहाँ पे दिखेंगे आपको लॉगिन ऑप्शंस। लॉगिन ऑप्शंस दो हैं, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड पता है तो आप उस पर टाइप कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो आप थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ पे लिंक पर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे, वहाँ पर फिर एक नई विंडोज़ खुलेंगी, जहाँ पर लिखा होगा लॉगिन थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। वहाँ पर आपको लिखा होगा, आप ऊपर में देख रहे होंगे, आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं दिखा दूँ एक बार,
यहाँ पे लिया लिया लिखा गया एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दिया गया कि किस एग्ज़ाम के लिए है, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल के लिए। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, जिसे टैब में ओपन करके एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना है, पहले डे रखना है, फिर मंथ रखना है, फिर ईयर रखना है। उसके बाद जो भी इंटर सिक्योरिटी पिन जो दिए होंगे उसे भी आपको क्या करना है, इंटर सिक्योरिटी पिन को वहाँ पे डाल देना है। इंटर सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको करना है साइन इन, आपको करना है साइन। हाँ, जैसे आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद एक नया विंडोज ओपन होगा जहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस, आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाना है चीज़ें। नीचे जब जाएंगे आपको दिखेगा दो टैब, दो टैब का हमें काम है। पहला टैब दिखेगा ये आपको, जो कि मैं दिखा दूं एक बार, ये दिखेगा टैब व्यू क्वेश्चन पेपर, पहला टैब है। और दूसरा टैब आपको दिखेगा व्यू चैलेंज आंसर की, व्यू क्वेश्चन पेपर एंड व्यू चैलेंज आंसर की। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू क्वेश्चन पेपर पे, व्यू क्वेश्चन पेपर पे आप लोग क्लिक करना है। एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडोज में आपने जो जिस तरह से फॉर्मेट में आपने आंसर्स किए थे, क्वेश्चंस किए थे एग्जाम में, वो फॉर्मेट पूरे खुल जाएंगे, ये फॉर्मेट पूरा खुल जाएगा। इस फॉर्मेट को क्या करना है आपको, इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा प्रिंट रिस्पॉन्स शीट, इसको प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं तो इसे आप एज अ पीडीएफ उसे सेव करके फोन में रख सकते हैं। पीडीएफ सेव करने के बाद, जैसे मान लीजिए मैं एक बार क्लिक करके दिखा दूं आपको सारी चीज़ें, मैं एक बार एक एक वन वन स्टेप में करता हूं चीज़ें। तो यहां पे एक प्रिंटर सेलेक्ट है, यहां पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा सेव एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ। तो प्रिपेयरिंग प्रीव्यू प्रिपेयर हो रहा है चीज़ें, आपके टोटल 34 पेज में करीबन करीबन हैं। यहाँ से मैं एक बार पीडीएफ पे क्लिक करूँगा, फिर नाम डाल दूंगा चीज़ें, यहाँ पे नाम डालने का रिस्पॉन्स शीट, रिस्पॉन्स शीट मैं देता हूँ एनईटी नेट, रिस्पॉन्स शीट नेट दे देता हूँ चीज़ें, जो भी आपको नाम डालने हैं डाल करके यहाँ पे डन कर देंगे, वो एज अ पीडीएफ में सेव हो जाएगा, एज अ पीडीएफ में सेव हो जाएगा। फिर आप अपने फ़ोन में एज अ पीडीएफ जाकर पहले ओपन कर लेंगे। अब आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। आपको एक लेनी है ब्लैंक पेज लेनी है, क्या करनी है, ब्लैंक पेज लेनी है। देखिए अगर लैपटॉप हो आपके पास तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर की चेक कर सकते हैं। जिसके पास, जिस स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैं बड़ा ही मूल मंत्र लेकर के आया हूँ जो कि बड़ा ही इफेक्टिव होगा आपके लिए। हमें क्या करना है कि एक ब्लैंक पेज लेना है और उस ब्लैंक पेज पे इस तरह, जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ इस तरह, आपको चार, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं दिखा दूँ एक बार, ये चार आपको क्या करना है, इस तरह से चार कॉलम बनाने हैं पूरे पेज में, आपको चार कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको डालना है क्वेश्चन आईडी, दूसरे कॉलम में डालना है गिवन आंसर आईडी, तीसरे कॉलम में डालना है आपको करेक्ट आंसर आईडी, और चौथे कॉलम में आपको डालना है रिमार्क्स। ध्यान से सुनिएगा, ब्लैंक पेज लेनी है, ब्लैंक पेज को चार भागों में बांट देना है, चार बराबर भागों में इस तरह से कॉलम बना करके बांट देना है, जिस तरह से मैंने कॉलम बनाया है वर्ड पे, उसी तरह से आपको एक कॉलम टेबल बना लेना है चीज़ें। इस टेबल में हम करेंगे क्या, इस टेबल में हम करेंगे क्या, दिखाते हैं हम लोग करेंगे क्या चीज़ें। यहाँ से पहले बाहर निकलता हूँ, सबसे पहले हम जाएंगे अपने जिस जो पीडीएफ में आपने क्वेश्चन पेपर में पीडीएफ जो किया था उस पे जाएंगे, और सबसे ऊपर लिखा रहता है क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी, जिस ब्लैंक पेज में, जिस कॉलम में आपने क्वेश्चन आईडी लिखा है उसमें मैं क्या लिख लूँगा, 1263। ऐसे मैं करता हूँ, एक बार दिखाता हूँ चीज़ें आपको, आपको करके दिखाता हूँ चीज़ें। मैं लिख लूँगा इसमें क्वेश्चन आईडी में, फर्स्ट क्वेश्चन आईडी क्या था, 1263, मैंने 1263 लिख लिया चीज़। फिर हम जाएंगे कहाँ पे, उसके आंसर्स, आंसर्स वाले में जाएंगे चीज़ें। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लिखेंगे आपका आंसर गिवन, ब्लू रंग से, ब्लू ब्लू कलर से लिखा गया है, ब्लू कलर से टाइप्ड होगा आंसर गिवन, ऑप्शन आईडी, ऑप्शन आईडी आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर आईडी जो आपने दिया था वो 5050, तो वो भी आपको गिवन आंसर आईडी में आपको लिखनी है 5050। यहाँ पे आपको लिखना है 5050, एक मिनट, हाँ 5050 मैंने लिख लिया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आईडी मैंने लिख लिया, आंसर आईडी लिख लिया। इसी तरीके से जितने भी आप जो पेपर डाउनलोड किया है भी क्वेश्चन पेपर में, तो मैं दिखा दूं इसी तरीके से मुझे 1 2 3 इसी तरह से लास्ट तक जाना है हमें, और क्वेश्चन आईडी उसके
गिवन आंसर आईडी, क्वेश्चन आईडी, गिवन आंसर आईडी, क्वेश्चन आईडी, गिवन आंसर आईडी, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी को क्या करना है आपको, उस कॉलम में दो कॉलम में फिल कर लेना है। अब फिर हम जाएंगे कहाँ पे, इतना सब करने के बाद, इतना सब करने के बाद हम जाएंगे, हम जाएंगे इसमें व्यू चैलेंज आंसर की में। हम कहाँ जाएंगे, फिर से यूसी के वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे व्यू चैलेंज आंसर की। देखिए जैसे आपको समय लगेगा वो अपने आप लॉग आउट हो जाता है, तो आप लॉग आउट हो जाए तो कोई भी हड़बड़ाने की, घबराहट करने की बात नहीं है। सबसे पहले आप सारी चीज़ों को एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर से ऑफिशियल वेबसाइट जैसे पहले आपने ओपन किया था सेम उसी तरह से ओपन करेंगे और इसमें क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, उस पर टैप करेंगे। जैसे ही चैलेंज आंसर की पर आप टैप करेंगे एक नया विंडोज खुलेगा जिसमें आपको सब्जेक्ट और क्वेश्चन आईडीज दिए होंगे। करेक्ट ऑप्शन जो यूजीसी के नेट के द्वारा दिया गया वो दिखाएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं दिखा दूँ जो क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन के लिए मैंने 1263 ना 1263 के लिए मैंने कितना आंसर दिया था 5050 आंसर आईडी, और यहाँ भी है चीज़। अब आपको क्या करनी है, फिर जानी है इस तरह से आपको स्क्रॉल करते हुए सारे जानी चाहिए, और आपको जानी है जिस पे आपने बनाया था, आपने टेबल बनाया था। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर आईडी में भी आपको क्या टाइप कर लेना है, जो कि प्रोविजनल आंसर की में दिया हुआ है 5050 टाइप कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन आईडी है 1263, आपने जो आंसर दिया था एग्जाम में वो था 5050, और करेक्ट आंसर जो अभी यूजीसी नेट के द्वारा दिया गया वो भी क्या है 5050। अब आपको करना है रिमार्क्स में, आपको क्या करना है रिमार्क्स में करना है, रिमार्क्स में क्या करना है, रिमार्क्स में कर देना है आपको ट्रू, क्या दे देना है टी, सिंपल में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, या आपको सी लिख देना है करेक्ट, पूरा लिख देंगे करेक्ट। मान लीजिए अगर आपने जो आंसर दिया था और प्रोविजनल आंसर किया की में जो आंसर ऑप्शन आईडी दिया हुआ है दोनों मैच नहीं कर देंगे तो हम क्या लिख लेंगे वहां पे, रॉन्ग, क्या लिख लेंगे रॉन्ग, वहां पर उसको काट देंगे या टिक कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको टिक दे सकते हैं, चीजें ऐसे ही कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो उस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से आप फिर से एक एक करके क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी को मिला करके जहां पे आपने क्वेश्चन आईडी, गिवन आंसर आईडी और करेक्ट आंसर आईडी को लिख लेना है, आपको रिमार्क्स भी लिख लेना है, उसके बाद आप निश्चिंत होकर के देख पाएंगे कि हमने क्या आंसर किया था, यूजीसी ने क्या आंसर किया, और जब फाइनल आंसर की आएंगे, जब फाइनल आंसर किए आएंगे उस टाइम भी ये जो हार्ड कॉपी में आपका तैयार है क्वेश्चन आईडी, करेक्ट आंसर आईडी, गिवन आंसर आईडी, रिमार्क्स वाली चीज़ें, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हम कितने भी डिजिटली क्यों ना हो जाए, जो चीज़ें हार्ड कॉपी फॉर्म में होनी चाहिए उसे हार्ड कॉपी फॉर्म में ही रहने दीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है आप लोगों से। इस तरीके से करके आप अपने आंसर्स को मिला सकते हैं, अपने आंसर्स को देख सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो तेजस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, तेजस एकेडमी संस्थान दरभंगा में ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करती हैं और ऑनलाइन भी क्लास प्रोवाइड करती हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए और पीएचडी एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ यहाँ आईकॉम, इंटरमीडिएट कॉमर्स, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हों, बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी भी अच्छे फैकल्टीज़ के द्वारा करवाई जाती है। तो यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, पीएचडी एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप निश्चिंत होकर के निश्चित रूप से जो दिए गए नंबर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भी नंबर दिए जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको थंबनेल पे भी दिख जाएगा तेज एकेडमी के जो इस वीडियो का जो थंबनेल है वहाँ पर नंबर दिख जाएगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके क्वारी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।